हिंदुस्तान में सिख मुखालिफ फसादात को 39 वर्ष मुकम्मल हो गए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद हिंदुस्तान में सिखों के खिलाफ बदतरीन फसादात रूनमा हुए। फसादात के दौरान 17,000 से जायद सिख हलाक, जबकि 500 से जायद खातीन इस्मत दर्री का शिकार हुईं। सिर्फ दिल्ली में 20,000 से जायद सिखों को दरबदर कर दिया गया। इंतहा पसंद हिंदुओं ने वोटिंग लिस्टों के जरिए चुन चुन कर सिखों को मौत के घाट उतारा। वोटिंग लिस्टों के जरिए सिखों का नाम पता मालूम करके इंतहा पसंद हिंदू रात के अंधेरे में घरों पर निशान लगा जाते और अगले दिन इंतहा पसंद हिंदू हमलावर होकर मकीनों को कत्ल और घरों को नजरे आतिश कर देते थे। इंसानी हकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की सरपरस्ती में सिखों के खिलाफ बाकायदा नस्लकुशी की मुहिम चलाई गई। सिखों के खिलाफ कत्लेआम 3 दिन बिला रोक टोक जारी रहा। डिप्लोमेट शवाहद से साबित हुआ कि सिखों के खिलाफ कत्लोगारत को हिंदुस्तान हुकूमत की हिमायत हासिल थी। सिखों के खिलाफ 1984 में अमृतसर, 1969 में गुजरात और 2000 में चिट्टी सिंहपुरा में 20 सिख मुखालिफ फसादात हुए। 2019 में किसानों के एहतजाज के दौरान मोदी सरकार ने हजारों सिखों को जेल में डाल दिया था, जबकि मोदी सरकार ने सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह को भी गैर कानूनी तौर पर 240 दिन से जेल में कैद कर रखा है। समुन्द्र पार मुकीम सिखों को भी हिंदुस्तानी हुकूमत टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल कर रही है। 18 जून 2023 को सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कनाडा में गुरुद्वारे के बाहर कत्ल कर दिया गया था। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह के कत्ल में हिंदुस्तानी हुकूमत के मुलव्वस होने की तस्दीक की है। शहजाद फरामोश, हरीफ डिजिटल।